गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फ्रॉम प्रीवियस टू वीडियोज वी वर टू थ्री लेक्चर्स वी वर डिस्कसिंग अ टॉपिक ऑफ क्लास एन प्लस वन डेट और माइनस एंड इन प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग सेकेंड काइंड ऑफ डेट और माइनर पॉजेसिव एंड थर्ड टाइप ऑफ डेट और माइनर न्यूमेरल्स में हमने पिछली वीडियो में किया था जो डेफिनेट न्यूमेरल्स होते हैं। डेफिनेट न्यूमेरल्स के आगे फिर दो सब पार्ट थे, वो कौन कौन से थे, एक कार्डिनल्स था और एक ऑर्डिनल्स था। कार्डिनल जो है वो नंबर को बताता है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 ऐसे वो नंबर को बताता है, और जो ऑर्डिनल है ऑर्डिनल बताता है ऑर्डर को। ऑर्डर मतलब सीरीज को या फिर क्रोनोलॉजी को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से, जिससे हमें किसका पता चलता है जो ऑर्डर है किसी वस्तु का उसका पता चलता है। अब आगे जो है उसका बी पार्ट था न्यूमेरल्स का, एक पार्ट हम न्यूमेरल्स का ए पार्ट था डेफिनेट न्यूमेरल्स, वो हम कर चुके हैं, उसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल किया था। अब आगे आते हैं हम बी पे, बी कौन सा है, इंडेफिनेट न्यूमेरल्स। अब इंडेफिनेट न्यूमेरल्स नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चित होते हैं, जो तो they refer to indefinite number जो अनिश्चित संख्या है, अनिश्चित नंबर है, उसकी तरफ जो है संकेत करते हैं, ये उसकी उसके संदर्भ में है ये। जैसे कौन कौन से होते हैं वो, सच एज a few, several, any, all, etc. तो इस तरह के जो नंबर की अनिश्चित स्थिति को बताते हैं। सेवरल मतलब विभिन्न, एनी मतलब कोई भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता, ऑल मतलब सभी, इफ यू बिल्कुल ही नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, इफ यू कि बिल्कुल ही कम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे लिए क्या है, इंडेफिनेट न्यूमेरल्स हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, Is there any letter for me? अब ये आ गया, तो यहाँ पे एनी जो है वो क्या है, अनिश्चितता को बताता है। तो क्या हुआ, वो इंडेफिनेट न्यूमेरल्स हुआ, और इंडेफिनेट न्यूमेरल्स आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप जो है इसमें डेटरमाइनर को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वर्ड जो है वो डेटरमाइनर है, और या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेटरमाइनर का कौन सा टाइप है, ठीक है, या फिर ब्लैंक दे दिए जाएंगे, और जो ब्लैंक में जो है ब्रैकेट में दो तीन जो डेटरमाइनर है वो दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको फिल करना होता है। तो इस तरीके से आपने ये ध्यान रखना है। तो ये था हमारा इंडेफिनेट न्यूमेरल्स। उसके बाद आता है फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल्स।
सी बार डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल से नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, जो बांटने में सहयोग करे, ठीक है। दीज वर्ड रेफर टू, दीज वर्ड रेफर टू ईच ऑफ ए ग्रुप, ईच ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, सच है, ईच एवरी नाइदर आइदर, ठीक है। तो ये हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल्स। ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब सभी, ठीक है, नाइदर कोई भी नहीं, आइदर कोई तो, ठीक है, या तो हो सकता है। तो इस प्रकार से एग्जांपल लेते हैं, ईच ऑफ अस, दीज वर्ड रेफर टू ईच ऑफ ए ग्रुप, मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्तियों का जो समूह है उसका ईच प्रत्येक, ठीक है, उसकी तरफ संकेत करता है ये ईच ऑफ अस मस्ट वर्क हार्ड, मस्ट वर्क हार्ड, कि हम में से प्रत्येक को जो है कठोर मेहनत करनी होगी। तो इस प्रकार से, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल्स, और न्यूमेरल्स का टॉपिक जो है, जो सेकंड टाइप था हमारा, सॉरी थर्ड, पहला था आर्टिकल्स एज डिटरमाइनर्स, उसके बाद था पोजेसिव प्रोनाउंस, और उसके बाद था न्यूमेरल्स। तो न्यूमेरल्स का ये कवर होता है यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरल्स के बाद आता है फिर फोर्थ टाइप क्वांटिटेटिव्स, या फिर कह सकते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, और डेटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के डेटरमाइनर, ठीक है, मात्रा के फिक्स करने वाले, लिमिट करने वाले मात्रा को, ठीक है, क्वांटिटेटिव्स जो मात्रा को फिक्स करते हैं। तो इसमें कौन कौन से जो वर्ड हैं उनको हम एज डिटरमाइनर मानेंगे, वो है सम, सम मतलब कुछ, एनी कोई भी, ठीक है, लिटल मतलब मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके बाद है मच मतलब ज्यादा, ठीक है, ये भी मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद है नो मतलब नहीं है, तो एक्सेट्रा, इस तरह के जो वर्ड हैं ये हमारे पास जो है डिटरमाइनर्स हैं क्वांटिटी के लिए। अब इनका प्रयोग करना हम आगे इसको फर्दर करेंगे। कैसे करेंगे यूज, पहले हम लेते हैं सम को। सम का कहाँ पे प्रयोग होता है, सम का प्रयोग होता है अफिर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, अफिर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, अब अफिर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जैसे कि वो देयर से स्टार्ट हो जाएं, देयर आर से स्टार्ट हो जाएं, देयर से स्टार्ट हो जाएं, मतलब कि जिनके पास सब्जेक्ट नहीं होता, अपना सब्जेक्ट नहीं होता,
उनको बोलते हैं अफिर्मेटिव सेंटेंस। देयर से स्टार्ट होते हैं मोस्टली वो, ठीक है, या फिर इट से स्टार्ट हो जाते हैं कई बार, इट इज, इससे स्टार्ट हो जाते हैं, इट इज स्टॉप्ड रेनिंग, ऐसे। तो इस तरीके से इनको बोलते हैं हम अफिर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफिर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए या उसमें जो है अफिर्मेटिव सेंटेंसेस में जो है सम एज ए डिटरमाइनर यूज होता है, जैसे कि देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, हम ऐसे नहीं कर सकते इसको सीधा कि सम बुक्स आर ऑन द टेबल, तो उसका अर्थ जो है कुछ और हो जाएगा। इसी वजह से हमें अफिर्मेटिव सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास सम जो है वो डिटरमाइनर के रूप में है अफिर्मेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद आता है फिर हमारे पास दूसरा जो यूज है वो है एनी। एनी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? एनी का मोस्टली प्रयोग जो है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर किया जाता है डिटरमाइनर के रूप में, नेगेटिव सेंटेंस। वो नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जैसे होंगे तो वो भी अफर्मेटिव लेकिन साथ में नेगेटिव हो जाएंगे। अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव लिख दें, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। देयर आर नॉट एनी, देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है। तो सब, सॉरी, सम और एनी का प्रयोग जो है इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद आता है जो एनी का दूसरा प्रयोग है, एनी का ही करेंगे दूसरा प्रयोग। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हेन वी एक्सपेक्ट ए नेगेटिव आंसर, व्हेन वी एक्सपेक्ट ए नेगेटिव आंसर, नेगेटिव आंसर, तो तब भी वहां पे क्या यूज होता है? फिर एनी यूज होता है जब हमें ये आशा हो कि नेगेटिव आंसर आएगा। जैसे कि इज देयर एनी मिल्क इन द ग्लास, इज देयर एनी मिल्क इन द ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन से नेगेटिव आंसर आने की संभावना है, इसी वजह से हम एनी का जो प्रयोग है उसको करेंगे कि यहाँ पे क्या कोई गिलास में दूध है, इस तरीके से करेंगे इसको। उसके बाद आगे चलते हैं, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हेन वी एक्सपेक्ट ए पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव आंसर,
सो सम यूज होता है फिर, ठीक है भाई। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जब हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं किसी से कुछ पूछ रहे हैं और जब हमें पॉजिटिव आंसर आने की संभावना हो तो फिर हम सम का प्रयोग करते हैं, फिर एनी का प्रयोग नहीं करते। नेगेटिव के सेंस में हम जब हमें लगता है कि नेगेटिव आंसर देगा, नो में आंसर देगा या फिर मना करेगा तो वहां पे हम एनी का प्रयोग करते हैं, और जहां पे हमें लगता है कि पॉजिटिव देगा तो सम का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि डू यू हैव सम मनी, ठीक है, डू यू हैव सम मनी, तो इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट रूल है एनी के लिए ही, इन दोज सेंटेंसेस, इसको रब कर लेते हैं पहले, पूरा आ जाएगा। इन दोज सेंटेंसेस In those sentences in which forbidding या फिर prohibition, forbidding या prohibition के लिए जो है implied we use any, ठीक है। तो जहां पे हमें लगता है किसी सेंटेंस के अंदर forbidding या फिर prohibition हो, जहां पे मना ही हो, forbidding और prohibition एक ही बात है, एक ही अर्थ है इनका, मना करना होता है या रोकना, तो ऐसा इंप्लाई किया गया है, प्रयोग किया गया है, तो हम वहां पे एनी का प्रयोग करते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, इन सच सेंटेंसेस वी जनरली यूज वर्ड्स लाइक विदाउट प्रिवेंट, विदाउट प्रिवेंट हार्डली, ठीक है, एंड स्केयरली स्केयरली आएगा, ये स्केयरली नहीं, स्केयरली, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस के अंदर जहां पे प्रोहिबिशन होता है या फिर फॉरबिडिंग होता है, मनाही होती है या फिर इनकार करना होता है, तो वहां पे हम जनरली उस तरह के वाक्यों में इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं कि विदाउट या फिर प्रिवेंट या फिर हार्डली या फिर स्केयर्सली। तो इस तरह के जो वर्ड हैं हमारे पास, उनका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरह का, एग्जाम्पल है देयर इज हार्डली एनी